क्रायोजेनिक इंजन ने बिगाड़ा इसरो का खेल। अंतरिक्ष में खो गया सबसे बड़ा जासूस सैटेलाइट। दोस्तों, जिस बात का इंतजार पिछले साल 5 मार्च से ही पूरे देश को था, जिसे लेकर भारत की सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन एजेंसियां पलक पावड़े बिछा रही थी, वो जासूस सैटेलाइट धरती से रवाना तो हुआ लेकिन अंतरिक्ष में कहीं खो गया है। ठीक सुन रहे हैं आप, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज सुबह 6:45 इतिहास रचने से चूक गया। देश का बेहद ताकतवर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3 देश के बाहुबली रॉकेट JSLV-F10 रवाना हुआ, लेकिन मिशन पूरा होने से केवल 10 सेकंड पहले ही फेल हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से 18.29 मिनट पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए, जिसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव की लकीरें देखने को मिली और थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन को सारी जानकारी दी। इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है, जिसकी वजह से ये मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। यानी इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा है। अगर ये मिशन कामयाब होता तो सुबह करीब 10:30 से ये सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए थे। एक तो लॉन्चिंग के लिए अल सुबह यानी कि 6:45 सैटेलाइट लॉन्च किया, दूसरा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था और तीसरा ओजाई पेलोड फेयरिंग यानी बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का काम किया गया था। लेकिन अफसोस, ये मिशन कामयाब नहीं हो पाया। अब हमारा वो सैटेलाइट अनंत ब्रह्मांड में खो गया है। JSAT-1 यानी जियो इमेजिंग सैटेलाइट का कोड नेम था EOS-3 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3। इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-10 JSLV-F10 से लॉन्च किया गया। ये रॉकेट 52 मीटर ऊंचा और 414.75 टन वजनी था। इसमें 3 स्टेज थे। ये 2500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। EOS-3 सैटेलाइट का वजन 2268 किलोग्राम था। EOS-3 सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट पर जाने के बाद सैटेलाइट अपने प्रोपेलेंट की बदौलत खुद अपनी तय कक्षा में स्थापित होता, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाया। इसरो ने पहली बार सुबह 5:45 पर अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे पहले कभी भी इस समय पर कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं छोड़ा गया था। इसके पीछे कोई शुभ समय नहीं बल्कि वैज्ञानिक वजह थी। सुबह लॉन्चिंग से मौसम के साफ रहने का फायदा तो मिला, लेकिन बीच रास्ते में क्रायोजेनिक इंजन ने धोखा दे दिया। दूसरा, सूरज की रोशनी में अंतरिक्ष में उड़ रहे अपने उपग्रह पर नजर रखने में आसानी होती। इसरो ने अभी तक जियो ऑर्बिट यानी धरती से 36,000 किलोमीटर दूर की स्थैतिक कक्षा में किसी रिमोट सेंसिंग यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नहीं तैनात किया था। ये पहली बार होता जब EOS-3 इतनी दूरी पर भारत की तरफ अपनी नजरें गड़ाकर निगरानी करता। आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में CCTV लगा रहा था। ये सैटेलाइट पूरे दिन भारत की तस्वीरें लेता रहता। हर आधे घंटे में ये पूरे देश की तस्वीर लेता, जिसे जरूरत के हिसाब से इसरो के वैज्ञानिक या देश के अन्य मंत्रालय या विभाग प्रयोग कर सकते थे। इसरो ने पहली बार 4 मीटर व्यास वाले ओजाइव आकार के सैटेलाइट को JSLV की नाक में रखा गया। यानी EOS-3 सैटेलाइट OPLF कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट 4 मीटर व्यास के मेहराब जैसा दिखाई देता है। ठीक से कहें तो अब तक ये इस तरह का लंबा सैटेलाइट भारत की तरफ से अंतरिक्ष में स्थापित नहीं किया गया था। ये सैटेलाइट सुबह 5:43 पर लॉन्च के बाद करीब 5 घंटों के अंदर धरती के जियो ऑर्बिट पे पहुंच जाता। यानी करीब 10:30 से ये देश की तस्वीरें लेना शुरू कर देता और अगले 1-2 दिनों तक इसके ऑर्बिट में इसकी जगह को सेट करने में लग जाते। इस दौरान साइंटिस्ट कोर्स करेक्शन और इसमें लगे कैमरे के सेंसर्स को सेट करने में बिताते, ताकि इसके 50 मीटर रेजोल्यूशन वाले ताकतवर कैमरे से सटीक तस्वीरें और डेटा हासिल किए जा सके। ये सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी देता। ये तस्वीरें रियल टाइम में इसरो के केंद्रों को मिल पाती, जिनका उपयोग जलीय स्रोतों, फसलों, जंगलों, सड़कों, बांधों, रेल के निर्माण में भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं, इस सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारी जमीन जलीय सीमाओं की निगरानी भी करती। इसकी मदद से दुश्मन की हलचल का पता भी किया जा सकता था। इस सैटेलाइट की खास बात थी इसके बेहद शक्तिशाली कैमरे। इस सैटेलाइट में 3 कैमरे लगे थे। पहला मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रल
विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, और तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। पहले कैमरे का रेजोल्यूशन 42 मीटर, दूसरे का 318 मीटर और तीसरे का 191 मीटर। यानी इस आकृति की वस्तु उस कैमरे में आसानी से कैद हो जाएगी जिसमें विजिबल कैमरा यानी दिन में काम करने वाला कैमरा जो सामान्य तस्वीर लेता, यानी इस आकृति की वस्तु इस कैमरे में आसानी से कैद हो जाएगी। इसमें विजुअल कैमरा यानी दिन में काम करने वाला कैमरा जो सामान्य तस्वीरें लेता, इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा था जो रात में तस्वीरें लेता। यानी भारत की सीमा पर किसी तरह की गतिविधि होती तो EOS-3 सैटेलाइट के कैमरों की नजर से बचती नहीं, ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने के लिए सक्षम था। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से आपदा प्रबंधन, अचानक हुई कोई घटना की निगरानी की जा सकती थी। साथ ही साथ कृषि, जंगल, मिनरोलॉजी, आपदा से पहले सूचना देना, क्लाउड प्रॉपर्टीज, बर्फ और ग्लेशियर समेत समुद्र की निगरानी करना भी इस सैटेलाइट का काम था। आपको बता दें कि साल 1979 से लेकर अब तक भारत ने 37 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़े हैं। इनमें से दो लॉन्च के समय ही फेल हो गए थे। इसरो पहले इसकी लॉन्चिंग 5-5 को करने वाला था, लेकिन लॉन्चिंग रोकने की वजह तकनीकी कारण बताए गए थे। फिर इसे इसी साल 28 मार्च को लॉन्च किया जाना था, लेकिन फिर टाल दिया गया, जिसके बाद 16 अप्रैल की डेट फाइनल की गई, लेकिन वो भी टाल दी गई, और अब 12 अगस्त को ये फेल हो गया। हालांकि पहली बार इसकी डेट को रोकने के पीछे अमेरिकी साजिश बताई गई थी। हालांकि इसरो EOS-3 सैटेलाइट की नाकामी के बावजूद रुकने वाला नहीं है, बहुत जल्द इसरो दूसरा जियो इमेजिनरी सैटेलाइट EOS-2 लॉन्च करेगा जो देश की सुरक्षा के लिए खास तरह के उपकरणों से लैस होगा। इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा का भी जिक्र किया जा रहा है। अगर ये कैमरा सैटेलाइट में लगा होगा तो रात के अंधेरे में गर्मी के अनुपात से आकृतियों को पता लगाकर ये जानकारी हासिल कर सकेगा कि दिखने वाली आकृति जानवर है या इंसान। इससे देश की सीमाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी, साथ ही देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद होगा। इसरो द्वारा पहले भेजे गए कार्टोसैट और रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ पिछले साल हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो रही थी। हमारे दुश्मन इस बात से घबराते हैं कि उनकी हरकतों पर भारत अंतरिक्ष से नजर रख रहा है। हालांकि इस मामले में G-SAT-1 सबका बाप साबित होता, लेकिन इसमें देश को कामयाबी ही हाथ नहीं लगी।